Hello students, now I am going to start with the topic, subtopic respiration in the topic life processes. Till now we have discussed with the topic digestion. Now जो भी food हमने खाया था इस food से we need to get the energy. तो क्या होता है कि जो भी हमने food खाया है उसका oxidation होता है. Different organisms they perform different pathways for the oxidation of the food. ठीक है, कुछ organisms होते हैं जो कि oxygen को oxygen की help से जो है food को digest करते हैं, right? In cytoplasm there are certain organisms which do not require oxygen for the oxidation of the food. ठीक है, तो it depends due to availability of the oxygen. ठीक है, uses of the oxygen, different pathways are there for the oxidation of the food and depending on the organisms, right? So this is the process by which the oxidation of the food takes place, by which the energy is released, है ना, is known as the respiration, in which the oxidation of the food takes place in the presence of the oxygen in some cases, and in some cases it takes place in the absence of the oxygen or in the lack of the oxygen, right? So basically क्या होता है कि अब इस process में जो oxidation की process होती है ना, इसमें क्या होता है, oxygen की help से food का oxidation हो रहा है, तो इस process में क्या हो रहा है, carbon dioxide निकल रही होती है. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है. अब जो कार्बन जो बन हर एक सेल में हमारे क्या होता है, हर एक प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होगा, हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो हर एक सेल को क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और जब वो फूड को डाइजेस्ट, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर भी निकलता है. तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इट हैज टू बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना, इसके बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, और ऑक्सीजन हम कहां से ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, है ना. सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज द ब्रीदिंग. ठीक है, एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज, फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग देन रेस्पिरेशन. क्या होता है ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ oxygen from the atmosphere with कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ था अभी हमने बताया, मैंने बताया ना, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन, हमने फूड खाया है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया, एंड दो फूड मटेरियल्स दे आर डाइजेस्टेड इन टू द सिंपलर फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, फिर वो एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चला गया वो न्यूट्रिएंट्स फूड, है ना, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज. ठीक है, हर सेल में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ साथ वैसे प्रोटीन और बाकी चीजों का भी ऑक्सीडेशन होगा आगे चल करके, हमें फिलहाल हम सिर्फ ग्लूकोज का देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हर सेल में जो है ग्लूकोज पहुंचा, अब हमें क्या, हर सेल में उसका क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी लेनी है ना, एनर्जी लेने के लिए उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा. ठीक है, अब जब ऑक्सीडेशन हो गया
है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी एटीपी बनाने में, एनर्जी करेंसी बनाने में, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसका क्या होगा, उसको हमारे सेल बॉडी से बाहर करना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग। इनहेल जब हम करते हैं, इनहेल ब्रीदिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और इसी प्रोसेस को कॉमनली पीपल कॉल दिस प्रोसेस एज रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इट इज एसिमिलेटेड फूड इन दिस प्रोसेस, द एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड। Assimilated food is oxidized to give energy and this energy is stored in the form of ATP. The respiration is the process in which assimilated food is oxidized and energy is released. ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स दिस ऑक्सीडेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। You just write energy is released, ठीक है। तो क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन जो है एयर से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो है इट इज रिएक्टिंग विद द फूड। सपोज दिस इज फूड एंड इसने ऑक्सीजन एयर से, हमने ऑक्सीजन लिया, इसने फूड से रिएक्शन किया एंड दिस रिएक्शन, the reaction of oxygen from the food is known as oxidation. क्या बोलेंगे इस reaction को, oxidation, ठीक है, तो oxidation हो रहा है, अब क्या हो रहा है, it is producing carbon dioxide, water and energy. तो it is releasing CO2 plus water plus energy, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब ये एनर्जी जो है, इट दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, और ये एटीपी जो है दिस इज लेटर यूटिलाइज्ड फॉर द, यूटिलाइज एज द फ्यूल फॉर अदर सेलुलर एक्टिविटीज। दिस एटीपी लेटर यूटिलाइज्ड for other, utilized for other cellular activities, ठीक है, so this is what is taking place during this process. Now what is the difference between breathing and respiration, ठीक है, let's see the differences between breathing and respiration. यहां पे हम देखते हैं, लेट्स मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट, दिस इज ब्रीदिंग एंड दिस इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना, ठीक है, ब्रीदिंग इट इज अ फिजिकल फिनोमिना,
इट इन्वॉल्व्स सर्टेन ऑर्गेन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स अपर बॉडी, जिसको कि हम डिटेल में बाद में देखेंगे. रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इट इज अ केमिकल बायोकेमिकल फिनोमिना. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल फिनोमिना. ठीक है. ब्रीदिंग में क्या होता है? कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फिनोमिना है, यहां पे कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है. तो नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रीदिंग. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड. ब्रीदिंग है जो है, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, है ना. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो इट डज नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल. सो इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. वेयर एज रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस. इट टेक ऑल ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, दे आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, राइट. ब्रीदिंग में, अब जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज फिजिकल फिनोमिना टोटली. सो देर इज नो एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, राइट. तो हेयर नेक्स्ट पॉइंट, नो एंजाइम इज involved in breathing, whereas in case of respiration a series of respiratory enzymes are involved, a series of respiratory enzymes are involved for the oxidation of food. So there are some differences between breathing and respiration. Ab ek aur process hota hai, combustion. There is one more process, combustion, jisme ki again the burning takes place, again it requires oxygen, right. Lekin it is not a biochemical process, no enzyme involves in this process, right. So let's see certain differences between the respiration and combustion. Differences between respiration and combustion. ठीक है, मैंने बताया जैसे respiration is a biochemical process, whereas combustion is a chemical process. It is not a बायोकेमिकल प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, वेयर एज कंबस्शन इज अ केमिकल प्रोसेस. ठीक है. रेस्पिरेशन जो होता है, इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि कंबस्शन इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है. तो इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता, रिक्वायर्ड इट इज नॉट रिक्वायर, एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन. बट एट कंबस्शन, फॉर द कंबस्शन इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, इट टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. नाउ जो रेस्पिरेशन है, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स. इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. बट कंबस्शन क्या होता है? इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व ओनली वन प्रोसेस स्टेप. ठीक है, फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी. तो जो कंबस्शन है, रेस्पिरेशन है, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड
involves many steps or several steps. Slow process, whereas combustion is a fast process. It involves several steps, whereas to release energy, it involves several steps to release energy. Jabki combustion mein kya hota hai, it involves only one step to release energy. Theek hai? Dusra, in the last and very important point, that it requires respiration, it requires a series of respiratory enzymes. इसमें क्या होता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत होती है जो मैंने अभी आपको बताया है जस्ट यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत होती है. बट इन केस ऑफ कंबशन नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड. हियर नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड. सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन. नाउ अब ये रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पूरे अर्थ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, दे ऑल नीड फूड टू गेट द एनर्जी, टू डिराइव द नरिशमेंट, टू गेट द एनर्जी फ्रॉम दोज फूड्स. बट दे ऑल ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर दे यूटिलाइज डिफरेंट पाथवेज. Some organisms, they utilize oxygen for the oxidation of the food. They are known as aerobic organisms, and the process is known as aerobic respiration. Some organisms are there which do not require oxygen for the oxidation of the food, and such organisms are known as anaerobic organism, and the respiration is known as anaerobic respiration. So let's see the types of the respiration. Types of the respiration. Mainly types of the types of respiration. Mainly there are two types of respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. नाम से समझ में आ रहा है आपको. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. ठीक है, एंड एनोरिक रेस्पिरेशन ये दो तरीके से हो सकता है. आइदर इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो एनोरिक रेस्पिरेशन इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. या तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, या फिर देयर विल बी द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है. राइट, सो दो ऑप्शन हो गए इसमें, दो टाइप हो गए. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड टाइप क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो फूड जिसको कि डाइजेस्ट जिसको कि ऑक्सीडेशन करना होता है, दैट फूड इज ग्लूकोज. ये फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ठीक है, जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज. ग्लूकोज ये क्या है, एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज. ठीक है, तो ये ग्लूकोज पहले क्या करेगा, इन इट विल इन ऑल द केसेस, नॉट ओनली इन दिस केस, नॉट ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन बट इन एनरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों केस में और एरोबिक एनरोबिक रेस्पिरेशन के दोनों टाइप में, यानी कि टोटल इन दीज थ्री पाथवेज द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन.
इन तीनों पाथवेज में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑल दीज थ्री पाथवेज वन द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन एंड द फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू अ थ्री कार्बन कंपाउंड दैट इज पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड, राइट. द ग्लूकोज इज ए सिक्स कार्बन कंपाउंड विच विल कन्वर्ट इंटू अ थ्री कार्बन कंपाउंड नोन एज पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड. पाइरुवेट को और क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड, राइट. तो इट इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड. अब एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में दिस स्टेप इज टेकिंग प्लेस इन साइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब क्या हो रहा है, अब ये पाइरुवेट जो है, नाउ दिस विल बी कन्वर्ट, दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरुवेट जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पाइरुवेट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग. अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अगेन द फूड सोर्स इज ग्लूकोज हेयर. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पाइरुवेट. द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, प्लीज माइंड इट, द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन ऑल द केसेस, इन ऑल दिस थ्री पाथवेज. नाउ इन केस ऑफ, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस अकर्स, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस कंडीशन अकर्स इन ईस्ट. ईस्ट सेल्स जो होते हैं वहां पे ये होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरुवेट, मैंने बताया इट इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड. नाउ दिस पाइरुवेट इट विल कन्वर्ट इन, इट विल शो इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शो करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ टू कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज इथेनॉल एंड अलॉन्ग विद दिस इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो लेट्स राइट दिस इंफॉर्मेशन, इट विल प्रोड्यूस इथेनॉल. इथेनॉल इज अ टू कार्बन कंपाउंड, अलॉन्ग विद दिस इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है. अब देखते हैं इस कंडीशन में जहां पे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जनरली टकर्स इन आर मसल सेल्स. जब हम बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हैं, आप कभी बहुत ज्यादा खेलते हो, बहुत ज्यादा कूदते फांदते हो, घर आते हो तो आप कहते हो मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, बेसिकली मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे सेल्स में ऑक्सीजन की, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी आपकी फास्ट एक्टिविटीज के चलते, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही थी, ठीक है. लेकिन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस तो चल रही थी. तो क्या होगा, अब जो है पाइरुवेट जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बल्कि पाइरुवेट जो होता है इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, अ थ्री कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड. एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द क्रैम्प्स इन द मसल विच इज नोन एज द मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज. तो अब देखते इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप तो कॉमन होगा, सिक्स मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इट विल फॉर्म पाइरुवेट. पाइरुवेट थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है और ये पाइरुवेट इन मसल सेल, इन मसल सेल्स कहां पे हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस इन मसल सेल. इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी एंड दीज लैक्टिक एसिड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मसल क्रैम्प्स,
ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स कॉज करते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, थ्री पाथवेज। अभी जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, इन दोनों पाथवेज में जो एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दीज पाथवेज आर वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,